नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। पुत्र ही बना पिता का हत्यारा, कर्ज के चक्कर में पिता को उतारा मौत की घाट, पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। जी हां, मैं आप बात कर रहा हूं संतोष शर्मा हत्याकांड की, जो कुशवाहा के बहुचर्चित कांडों में से एक है। काफी समय से पुलिस कातिल तक पहुंचने का कयास लगा रही थी, लेकिन अंततः पुलिस के द्वारा असली कातिल को पकड़ ही लिया गया। मैनपुरी थाना किसनी क्षेत्र के कुशवाहा चौक के अंतर्गत निजी मकान में रह रहे वृद्ध की उसके ही पुत्र ने बीती 25 अगस्त की रात को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक संतोष शर्मा को श्याम शर्मा उर्फ देवर्ष द्वारा बाहर से 12 लोगों से करीब 1,40,00,000 का कर्जा 2% की ब्याज पर लेने तथा दो गैर बिरादरी की लड़कियों के साथ प्रेम संबंध होने व अपने पिता की इच्छा अनुसार अपनी बिरादरी में शादी पर टोका टाकी किया करते थे। अक्सर दोनों बाप बेटों में विवाद होता रहता था, जिसके बाद दिनांक 24/8/2022 को दोनों बाप बेटों में पैसे के लेन देन के हिसाब को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पुत्र श्याम शर्मा द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए पिस्टल व घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर धड़ौस के पुल के नीचे झाड़ियों में छिपा दिया गया, जो गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी कर घटना में प्रयुक्त पिस्टल व डीवीआर भी बरामद कर लिया गया है। घटना के संदर्भ में एसपी मैनपुरी द्वारा दी गई बाइट। 25/8 की सुबह किसनी पुलिस को सूचना मिली कि संतोष शर्मा जिनकी उम्र लगभग 65 साल करीब है, वो अपने छत पे मृत अवस्था में मिले हैं। सूचना पे पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करके साक्ष्य संकलन शुरू किया गया और इनके लड़के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। साक्ष्य संकलन के दौरान घर का डीवीआर गायब मिला और छोटे लड़के जो मुकदमे का वादी है उसकी गतिविधियां संदिग्ध मिली। धीरे धीरे साक्ष्य संकलन के दौर पे पाया गया कि लड़का 1,40,00,000 रुपया मार्केट से उधार लिया था, बैंक से भी उसके ऊपर 48,00,000 रुपये उसने ले लिया था। पिता को धीरे धीरे जब इस बात की जानकारी हुई कि लड़का मार्केट से पैसा लिया है, तो इस बात पे पिता पुत्र में विरोध रहने लगा। साथ ही उसकी कुछ गलत संगत में भी पड़ गया था, इसको लेकर के भी पिता उसका विरोध कर रहा था। इसी के कारण लड़के द्वारा ही पिस्टल से रात में इसमें 28 ये 25 वाली रात में 24/25 की रात में पिस्टल से उसकी हत्या कर दिया था और उसके बाद ले जाकर के डीवीआर और पिस्टल दोनों ही इसने फेंक दिया था, जो उसकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। और घटना स्थल से साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया, साफ करने का प्रयास किया गया, ये कोशिश किया गया कि किसी तरह से ये प्रतीत हो कि बाहर से बदमाश आके हत्या किए हैं, लेकिन तकनीकी साक्ष्य अन्य साक्ष्यों के आधार पे लड़के की इसमें श्याम की गिरफ्तारी हुई है। उसके निशानदेही से पिस्टल बरामद हुआ है, इसके निशानदेही से फेंका गया डीवीआर बरामद हुआ है और इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।